महादेव। क्या बात है भाई साहब की आज बाबू रूदेव सिंह को दरबार में बुलाए। ऐसा कौन माई का लाल पैदा लिया है कि मेरे रहते हुए राज महापा पर हरम ज्यादा चढ़ाई किया है। अरे तो सही, अरे जिसके पास लक्ष्मण जैसा भाई रहेगा भला राम पर कोई आप बता सकता है। फिर बात तय की है आजकल को चलाने का मकसद क्या है। अरे तो सही, मकसद यही है कि आज तुम्हारी भाभी महल छोड़ करके दरबार में आकर के मुझसे बात कर रही है कि दिल्ली करके राजा प्रति चौहान पत्थर तोड़ तोड़ करके मेला लगाए। अच्छा, और देश देश के मोगल पठान देश से बंगाली सभी कोई मेला मेला आ करके जा भी रहे। और माँ दुर्गा के सपना मुझे रहा नहीं गया, इसलिए मैं आपके दरबार आई हूँ। आप मुझे इजाजत दीजिए, मैं मेला देखने के लिए जाऊंगी। मैंने मेला ऐसी कोई बात नहीं, अगर मेला लगता तो सबसे पहले मेरे पास टीका आता। सही बात है भाई साहब, सही बात है ना। हाँ, इसलिए बहादुर मैंने उसको बोला कि मेरे पास कोई टीका फीका नहीं आया, इसलिए तुझे मेला की इजाजत नहीं मिली। बिल्कुल ऐसी बात है, ऐसी बात है। हाँ हाँ, मैंने तो अच्छा किया ना, बहुत अच्छा काम किया। जो मैंने नहीं कर सकता वो आपने करके दिखा दिया। मुझे मालूम था कि मेरा भाई भी ऐसा ही बोलेगा। फिर बात क्या है भाई साहब? बस रूबल से मैंने उसको बहुत ही समझाया लेकिन समझने से इनकार जा रही है। मैंने यहाँ तक कहा कि अगर राजमहोबा में तुझे मेला का जरूरत है तो राजमहोबा में मेला लगा देते हैं, देश देश के मोगल पठान बेसिया बंगाली सभी को उतार देते हैं। वो बोल रहे आग लगा दूंगी, ये कर दूंगी, ये कर दूंगी, मुझे मेला नहीं देखना राज। इतना हिम्मत मेरे राजबाबा में भाभी बोल दिया कि आग लगा देंगे, मेला पार्टी खसा देंगे, हरमजादी को फांसी का फंदा पर चढ़ा देंगे। अरे रुको, मैं इसलिए तुझे बोला, हो सकता है कि मेरे पास टीका नहीं आकर के बाबू रूदर सिंह के पास गया होगा, क्योंकि बाबू रूदर सिंह के बारे में बाबू रूदर सिंह जंगल का शेर, जंगल का डाकू, जंगल का वास्ता। उन्हें अगर 6 महीने जंगल में रहता है तो दो चार दिन राजमहोबा में रहता है, लेकिन फिर भी राजमहोबा से इनका जंगल से प्यार रहता है। हो सकता है तुम्हारे पास कोई टीका आया होगा, इसलिए मैंने बोला कि हम दोनों भाई विचार करके उसके बाद तुझे मेला का इजाजत देंगे। भाई साहब मेरे पास कोई टीका नहीं आया है, न मुझे मालूम है कि दिल्ली करके राजा पृथ्वी चौहान माँ गंगा मसाला पत्थर तोड़ करके मेला लगा रहा है। तुम्हें भी नहीं मालूम? कोई मालूम नहीं है भाई साहब। अच्छा, हाँ, इसका मतलब हम दोनों भाई विचार सही किए थे, उसको ऑर्डर नहीं मिलनी चाहिए। अगर वो सर पतक पतक करके भी भाभी मर जाएगी, ठीक, उसको मेला जाने के लिए ऑर्डर नहीं मिलेगा। हाँ, बहादुर मैंने उसको बहुत समझा लेकिन समझ नहीं रही आराम जाती, बिल्कुल उसके दिमाग खराब हो गया। तुम्हारी भाभी है, तुम्हारा कहना जरूरी है मान लेगी, जरा जाकर के तुम अपनी भाभी को समझा दो ताकि मेला की चर्चा छोड़ दो। क्या आपने भाभी को समझाए मेला जाने के लिए, लेकिन वो आप मेला जाने की बात नहीं समझते? बिल्कुल नहीं मान रहे। उसकी अरमान है कि हम मेला जाएंगे। तो जाऊंगी तो जाऊंगी। ठीक है भाई साहब, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, आप आराम कीजिए, मैंने भाभी को बुला करके समझा देता हूँ प्यार से ताकि वह मेला नहीं जाए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। मेरे भाई साहब को इतना धमकी से नहीं बताते तो भाई साहब का ये मन में सोच लेता कि भाभी देवर का दोनों का मिलान है मेला जाने के लिए, इसलिए मैंने धमकी से बोल दिया। मेरे भाई विश्वास कर गया, अब भाभी को बुलाते हैं, कहेंगे भाभी जो कल होगा वो आज करो, जो आज होगा तू रात करो। भाभी
बताइए कि दोनों भैयारी में क्या विचार विमर्श किए? क्या विचार विमर्श किया? भाभी, भाई साहब ने मुझे समझाने के लिए भेजे कि तुम जाकर के अपनी भाभी को समझा दो, अच्छा, ताकि माँ गंगा हरिद्वार का मेला नहीं जाएगा। यही विचार विमर्श हुए? अरे मैं नहीं विचार किया, भाई साहब आपने मुझे भेजे अपने पति के पास, और मैंने जो तुम्हें भेजा था भाई साहब के पास मेला जाने के लिए ऑर्डर मांगने के लिए, क्या मेला जाने के लिए भाई साहब ऑर्डर दिया या कि नहीं? आपके भाई के पास जैसे मैंने पहुंची, सारी वातावरण सुनाई, सुनकर बड़ी खुशी हुई। जब मेला की चर्चा सुना तो आग बबूला हो गया। क्या सुनते ही अगला आ गया, बता हो गया कि अगर दो चार बार मैं और जवान लड़ाती तो गई काम से, मतलब मार शुरू। हाँ, दोनों आदमी मार, इतना मूड करा उसकी देखी, मैंने डर से भाग गया। अच्छा, तो मास्टर मेलो देखो या मारो न खेबो तब के ना है। ए ये कोनो बात प्यार से नहीं छे, लल ही नहीं था आदमी साथ के ठाकर में आकर के औरत के एक मिनट के काम चुटकी बजब छे औरत है आदमी तुरंत यहां मन पन पने आ जाए छे। असल कोनो बुद्धि या तो बतबू ना हमरा, बताओ हमें एकरा बता दे तब इज्जते भैया का मन भेल। अबरी फेर जेबे आ जाना कहबे त ना करबे। अगर भाई साहब का मन बोले हम कह दे तो हमरा घूस अपने के लिए पूरे शरीर फ्री। चल ठीक है, इधर से। ए मास्टर रुका, मेला देखने के लिए चाहती है आगे मैच में, ये वजह से मन पर नहीं समय हमरा मेला जाएगी। जय भाई, तो जैसे जैसे हम बताएंगे वैसे ही करना एकदम करबे। हां कहबे नदी में डूबल डूब जेबे, ऐसा बेवकूफ नहीं है कि हम बोलेंगे नदी में डूब जेबे, और रेल में काटे ले कट जेबे। रेल में कट जाएगी तो फिर सोना ऐसा भाभी बाबू दर्श को नहीं मिलेगा। जल्दी चलू ना, बताऊं हम बता ए लल ही हम बताते तुम सुन, जल्दी बताऊं हम अबला छी। चले जाओ मेला मालिक अशोक बाबू के पास, साइड में मेला मालिक बैठे। केवली बाबू ठेकेदार जी भी छे, मनोजो जी ठेकेदार छे, चल जाना पैसा ले लिया, पैसा तो देवे करते। कल भैया जलानी का मेला देखे के बरस घर में कुछ रह नहीं रह, धिया पूरा के काट में लेला चल दलक मेला देखे। जहाँ एक बार मेला मोहल्ला भेल देखो वो जलानी के गीतर जोका कोने भाग था, लागे छे यूहो गीतर भोकी जते मेला में करे ले। देखियो कतेक दिन रही छथिन हमर केवली बाबू की रहे, ए देखियो ना 500 नोट कटा खाट त देते न। आइए श्रीमान, आप इनाम के तौर पर हमारे केवली बाबू ठेकेदार साहब सोना रानी का मेला देखने की शुभ अवसर पर शानदार 501 रुपए के नोट अदा फरमाए। महान भावों को बासारों वाली गौर से लाखों लाख धन्यवाद फरमाती, और मैं कहती हूँ लगी ठोकर गिरी बोतल उठा लेते तो क्या होता, लगी ठोकर गिरी बोतल उठा लेते तो क्या होता। ए केवली बाबू लगी है तोसा लगी है तकिया, थोड़ी सी सोना रानी को सोला लेते तो क्या होता। और मेरा कहना है कि क्यों मरती हो इस दुल्हन के लिए, मरो अपना वतन के लिए, ऐसा युग है भैया। क्यों मरती हो ठेकेदार बाबू इस दुल्हन के लिए, मरो आप अपना वतन के लिए। जब मरोगे आप अपना वतन के लिए तो बाबू भैया पैसा देंगे तुम्हें कफन के लिए। एक बार जोरदार ताली,
शाबाश शाबाश जय जय। किस तरह आपकी बार अपने स्वामी जी से उठो? मेरा कहना है सुन ले, अगर तुम्हें मेला देखने का शौक है अशोक बाबू के पास जाना होगा, जरूर जाएंगे। एक किलो सुस्ता सरसों का तेल ले लो। अच्छा, एक किलो सरसों का तेल सुच्चा, उसमें दो चार पौ जो है क्या कहता लहसुन पोच ले लो, उसका छिलका छील दो। अच्छा, उस तेल को गरम कर दो। भाई साहब दरबार में बैठे रहे, कैसे बैठे रहे दरबार में ऐसे, वो तेल गरम हो गया कैसे? कैसे गरम भैया को कैसे सेवा करना? ये ले ली है नहीं लेते सिटी बोलियो सिटी ले छे नहीं ले नहीं हम ही नहीं है ना घुमा दली। भाई साहब दरबार में बैठे रहेंगे, प्यार से कैसे सेवा करना है? रांची रांची सेवा कर भैया जी के जा थोड़ा टूटल के टांग मिले करे ले बड़ियो का टांग का करो ना और आधा समय ठीक है और अधिकार में थम सेवा तो करियो दियो हार की तिरछी नजरिया भाभी ये मारी हा भैया की मतलब आदमी मर्डरे जब भए जेते तो मेला के देखते ते तो मर जेबे तो बढ़िया है। नहीं ऐसा नहीं करना है, तुम चले जाओ भाई साहब के पास फिर दोबारा और मांग ले ऑर्डर। अगर आपकी बार ऑर्डर निश्चित अमरी तो जाना ना तरना ले। हाँ चाहे अरे मार भी लग जाएगा दो चार लात मुका तो कोई बात नहीं, अमरी लात मुका से अच्छा मेला लगता है देखा। अमरी है हर जाना ना बन जाए बुझ रही है, मारता ही तो मारते है लेकिन ठीक है। तुम जाकर के भाई साहब से ऑर्डर दो। मेरे बारे में नहीं बताना है कि देवर जी ऐसा बात बोला है। ये मैं आई थोड़े बात बोलवा नहीं बोला ओकरे कहबे चलो ना अन्य तो खटिया खरा बिस्तर पौआ टरा आ जाए हे परदेसी सो चारा चारा
राणे अच्छा भाई फिर दोबारा आगे दरबार में क्या बात है मतलब इतने जल्दी जल्दी आ रही क्या बात है आए निकाल ये रहे दोनों भाई में विचार विमर्श करते हैं उसके बाद जाएगा मतलब टाइम नहीं लगना चाहिए ना कलोन ने 5 मिनट अच्छा 5 मिनट की बात की अगर तुम 5 मिनट की बात की थी तो हम दोनों भाई विचार कर ली सलामी कर दिए थे रुद्र सिंह बोले कि भाई साहब मुझे मेरे पास भी कोई टीका फीका नहीं आया हेलो रुद्र सिंह बोले भाई साहब मेरे पास भी कोई टीका फीका नहीं आया है अगर भाभी जबरदस्ती जाने के लिए सोच रही मेला तो आप उसको इजाजत मत दीजिएगा अगर टीका नहीं आया तो वहां जाना गुनाह है इसलिए दोनों भाई के सलाह ठीक मिला है इजाजत मेला के लिए नहीं मिलेगा तो नहीं अगर मतलब अगर रुद्र सिंह का नहीं थे भैया वो करने तो नहीं करी दादा बोलेगी ये सब बोलने की बात है विचारने की बात है दोनों भाई में तो अच्छा काम शुभ काम दोनों भाई विचार करते शादी के बाद दोनों बड़का शुभ काम करे उल्टा बोल जाग कर रहल अभी से बोलना चालू हो गया उठपट मनसा का गोर लगावे छे तो नित्र आवे छे की है छौ तोरा दोनों में पद में खटपट खटपट करे थरो बोले के ढंग यार नहीं एक तो ये हरमजादी दिमाग चाट रही है दूसरा तू मार करके दिमाग चाट रहा है हां का दोनों जीव बोलेंगे चाहे फुट्टा दोनों पर और हम ही मार खाने के काम करता हर वक्त मारे खाने का हां दोनों जीव ये रे हरम ये रहा इच जाते हैं रेडवा फिर आई वही मेला के चर्चा लेकर के इसको बोल दो चली जाने के लिए अगर मेला खोपड़ी घूम गया इतना मार मारेंगे इतना मार मारेंगे गोरा बदन को काला कर देंगे चल जा वो मन अच्छी है जाना है नहीं नहीं जी भैया बिल्कुल नहीं जाएगी चल दिया ना बोला ना नहीं जाएगी ते हर मन चाचा को जरा दया छे हमरा पर दया की बात तो दूर रही अगर इजाजत मिलता वहां से कोई संदेश आता तो तुझे मिल जाता इजाजत इसलिए वहां से कोई संवाद नहीं आया तो वहां जाना बेकार यानी कि हर बात आहा के हमें मानिए अच्छा जे कहबे से हम सुनिए ठीक आ कहबे हमरा भूखा लेता हम भूकू आय हम कब यहां का भूखा लेता हम काटबे तुझे हर जगह की इजाजत है नैयर जाएगी बोल नैयर जाएगी नैरा कथिल जी चल नैयर पहुंचाते हैं नहीं जाएगा नैयर में क्या छे मतलब नैयर नहीं जाएगी क्या छे और मेला की बहुत चीज शौक लगी रंग बिरंग की चीज खाने पीने पैर देवे मन लगी मेला जब हम नहीं कुछ खेबे वो ना जेबे जाने के लिए नहीं देंगे जान दिया नहीं है बोले नहीं जाने देंगे मुंह से कह छी और हम यदि मारेंगे तो बोला नहीं जाने देंगे बकवास कर रही है अब यदि अगला है ये बाबू रे स्वामी
मर्जी जब तुम चाहेगे उधर क्या बोल रही थी अरे सफाई गिरल कैसे रे कैसे गिरा हुआ कैसे गिरा तू तो हिजरो से बेकार क्या रे आज मर जेती है तब की हेतिया ककरा ला कर हती वो तो बात सही है हमरा ला कर जेती हां क्या बात रे मुझे बच्चा अच्छा पोस्ती हो क्या ना मारेगा ना बहुत बोलो की हेती अरे मर जाती आए हो हां मर जाती हां अच्छा तो किनो साबे छ तो कते दे खा ल न दे छ हमर हराम उठा खा ल न दे छ खा ले कुछ बोलता कुछ से कुछ बोलता किनो साबे छ तो चार बे पांच बे तोरो पिया दे छ हमरो पिया दे छ ए पन्ना सुन न रे अरे चाय पिए ल न दे छ पहले का बोल रे होता और बड़ा दे छ बाद में बोलता हराम दादा ने अरे उल्टे बोलता खाते जा लावे छ त का दे छ पैसा न दे छ बात सही है रे रे वाह अरे मरने से बचाने के कोई कारण है रे बेहुदा ने तो मरने के लिए छोड़ देते की कारण रानी के क्यों बचा तुझे मालूम है ना हां हां ये फरमा वाली मिलता अरे बेहुदा इससे अच्छी फरमा ना मिलता इटा टेर है हरामी बेटा इंदल नादान है अगर तुम्हारी भाभी मर जाती तो बोल बेटा इंदल का क्या हाल होता बेदा दोनों चाचा भतीजा को तो मार के खा जाता है उसको पालन पोषण कौन करता है नादान बेटा है पांच वर्ष का क्या है तो मैं बच्चे की वजह से मजबूर होकर नहीं जा सकती हां ये भाभी जी आगे बढ़ो हम एक रे खातिर मरवाइए उता हल्का झलस दलिया ललका बर्फ फैस गेले अभी भी हराम जादी बंद करवा देंगे जानी ज्यादा दिमाग लगाई थे मुनसा का ठकते दिन पूछ के अभी भी जा जा रुक जाएगा समझ गए ज्यादा टेढ़ी मेढ़ी बोलेगी तू अरे अमर जे कन्या रहती है ई अच्छा तकरा तो मारते मारते बिस के आता कौन की ताल तक ये नुसा दिया रे ऐसा करो नहीं ठीक है तुम जा ऐसा करो
हाँ बोलिए ऑर्डर दिए। अच्छा बहुत दिन भाग गए हो सके छे मेला उजर फुजर से चलू ना पागल हो गया हम जाके मेला ई त जाना ना भागे छे ना आइए श्रीमान पुरस्कार के तैयारी कर रहे तो मैं तुझे एक हफ्ता के लिए ऑर्डर दे रहा हूँ। एक हफ्ता? हाँ ठीक है। और भाई रुद्र जी को साथ लगा देते आना जी भैया ना मुझे नहीं जाना मुझे नहीं जाना समझ गए हम तो रुद्र जी को साथ लगा देता हूँ ताकि किसी तरह की परेशानी नहीं आएगी। अरे खुद कौन जाता है जिसके पास छोटा भाई नहीं रहता है वही मर्द अपने पत्नी के साथ जाता है। मेरे पास तो मेरा छोटा भाई है मेरा प्यारा भाई है तुम्हारे भी प्यारा देवर है तुम दोनों देवर भाभी मिल करके मेला देख करके ए भाईता के अंदर में तुम लौट करके चलिएगा। ठीक देखै छिए ना ई भेज रहल छै दूसरा के साथ त बाद में हमरा बदनाम नहीं करे अपन दे बचबै छै हैं आ दूसरा के हमरा साथ भेजै छै हां मेला के बात जानै छिए ना मेला क्या बात मेला कथी खातिर जाय छिए हां किस लिए जाते कोनो सामाने वगैरह खरीदबै अच्छा देवर छोट त नहीं छै अच्छा और रसोई में परेजिए सामान कोनो खरीदबै जेना देवा जी कहलक हमरा कनेर के गेलिए ला जाके देखबै ले ई दलिए ओ दलिए हरामी बेबो बेकू बना रही तू तो प्राइवेट से खरीद ले ना तुम जरूरी उसको जाना दोनों जी बराबर त आहो कि सस्ते ना बे मतलब की बात करे मुझे मेला नहीं देखना तो नहीं देखना अगर कोई सामान प्राइवेट के करे तो प्राइवेट से खरीद लेना वहां तक जाने की जरूरत ही नहीं है ना मुझे नहीं जाना। ठीक है उनके बुलाइयो ठीक है उसको बुला देते हैं ठीक है सूर दो ना बाबुआ रे के मेरे मोला काता दुलाला रे कर ले रे भाई ऑर्डर देना पड़ा मुझे काहे क्यों अरे बेहुदा अगर ऑर्डर नहीं देते तो सर पटक पटक करके मरने के लिए तैयार मरने के लिए छोड़ देता कैसे मरने के लिए छोड़ फिर दूसरा शादी कर लेते ऐसी कोई बात नहीं है रुद्र सिंह ब्याह शादी की दीवार दूर रही लेकिन अगर तुम्हारी भाभी मर जाती तो 5 वर्ष का बेटा है बोल उसको कौन पालन पोषण करता अच्छा ये बात अच्छा चलिए तब तो बहुत बच्चे की तरफ से मजबूर हो गया लेकिन रुद्र सिंह आपने उसको मेला जाने के लिए ऑर्डर दे दिए हाँ दे दिए फिर इस बीच में हमको किसने बुलाए अरे तुम्हें बहादुर बुलाने से यही रुद्र सिंह मैं तुझे अपने भाभी के साथ जाने के लिए बुलाया कि तुम अपने भाजी को मेला दिखा करके लिए क्या हाँ मैं ऑर्डर दे हम भाभी के साथ मेला जाएंगे रुद्र सिंह नहीं भाई साहब नहीं अरे पागल तू मेरे छोटा भाई है भाई साहब और देवर भाभी का बहुत बड़ा प्यार है तुमसे अच्छा लगेगा किसको हमको जाने के लिए करे हम जाने से इनकार गया पत्नी है आपका आप उसके पति हैं
आप तीर्थ या कोई धाम चाहिए, रुद्र सिंह को कोई मतलब नहीं। रुद्र सिंह जंगली आदमी, जंगल का सर। रुद्र सिंह अपने जंगल को रानी आइए, आप है प्रमोद मुखिया।